शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने बीजेपी पर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी को पीएमसी बैंक घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से महाविकास अघाड़ी के नेताओं की केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को नहीं गिरा पाएगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पवार ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग बताया। पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 2 महीने में सरकार गिराने का दावा कर रही थी, फिर उन्हें 6 महीने में ऐसा करना था, फिर 8 महीने में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब ईडी का सहारा लेकर हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख ने दावा किया कि ईडी ने उनको भी नोटिस देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल ईडी ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाले के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार एजेंसी ने जाँच के घेरे में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ईडी ने पवार को समन नहीं किया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।